अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में यही तस्वीरें आती होंगी। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि ये तस्वीरें कहां की हैं। लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए। स्पेशल फोर्सेस का ये कमांडो और खतरनाक मिलिट्री गाड़ियों की ये कतार इजराइल, भारत, अमेरिका, चीन या किसी पश्चिमी देशों की नहीं है। ये सब कुछ अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान का है। इन तस्वीरों ने अचानक दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन तस्वीरों को देख पता लगता है कि पाकिस्तान आजकल तालिबान से इतना क्यों डरता है। तालिबान का अगर जरा सा भी दिमाग सनक गया तो वो एक ही घंटे में पाकिस्तान का सफाया कर सकता है। सबसे पहले आप इस कमांडो को देखिए। तालिबानी स्पेशल फोर्सेस के इस कमांडो की फोटो आजकल चर्चा में है। ये कमांडो अमेरिकी स्नाइपर राइफल्स के साथ दिख रहा है। इसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म अमेरिका या ब्रिटेन के कमांडोज जैसी लग रही है। इस कमांडो के कंधे पर सबसे ऊपर इस्लामिक अमीरात का झंडा लगा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तालिबानी कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसकी पीठ पर कम्युनिकेशन रेडियो, सिर पर हेडसेट और कमर में मैगजीन लटकी हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाका तालिबान की एलीट कमांडो यूनिट का सदस्य है। आप इस तस्वीर का पूरा श्रेय अमेरिका और नाटो देशों को दे सकते हैं, क्योंकि इस कमांडो के पास वही हथियार हैं जो अमेरिका और नाटो देश अफगानिस्तान से निकलते वक्त पीछे छोड़ गए थे। अब एक बार इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर ने कई पश्चिमी देशों में तूफान खड़ा कर दिया है। खासतौर पर पाकिस्तान तो इस तस्वीर को देखकर सदमे में आ गया है। तालिबान ने हाल ही में अमेरिका के छोड़े गए मिलिट्री उपकरणों की तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में आपको मिलिट्री ट्रक और बख्तर बंद गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि कोई छोटा मोटा देश तो अपनी पूरी सेना तैयार कर ले। आपको बता दें कि जब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिकी सेनाओं ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इन गाड़ियों को मंगवाया था। लेकिन अब ये सभी गाड़ियां तालिबान को तोहफे में मिल गई हैं। बताया जा रहा है कि 2021 में जब अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो वो इन गाड़ियों को अपने साथ नहीं लेकर गए। इसकी सबसे बड़ी वजह इन गाड़ियों को वापस ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी। इसीलिए अमेरिका ने इन गाड़ियों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियारों का जखीरा लग चुका है। इनमें राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां, मिलिट्री ट्रक से लेकर हेलीकॉप्टर तक शामिल हैं।